हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी फैशन पूजा पाठ स्पेशल लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो मैं आज शेयर करने वाली हूं आपके साथ अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन। सो मैंने यहां पे अपने, अभी बज रहे थे रात के 8:30 और मैंने यहां पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रख दिया है दूध। सो मैं यहां पे अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाऊंगी दूध। तो मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी का मुंह साफ कर दिया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर दूर रखा रहने दूंगी, फिर उसके बाद हटा दूंगी। और मैंने रात में खाने में बनाए थे यहाँ पे दाल चावल, अरहर की दाल बनाई थी। दाल हमारी में सादा दाल खाते हैं बिना लहसुन प्याज के, इसलिए मैंने सोचा लड्डू गोपाल जी को भी खिला देती हूँ, क्योंकि डेली तो प्याज लहसुन यूज होता है, तो मैं डेली नहीं दे पाती खाना खाना जी के लिए। यहाँ कभी कभार परांठा या कचौड़ी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन का, कुछ भी बनाती हूँ वो ज़रूर देते खाना जी को। सो मैंने फिर अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर खिलाया दाल चावल। मैं आप अपने लड्डू गोपाल जी को खिला रही थी चावल, दाल चावल। और आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग में क्या क्या खिलाते हो, कैसे खिलाते हो और दिन में कितनी बार भोग देते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। फिर ज़्यादा ही रात हो चुकी थी, 9:30 बज चुके थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी वगैरह निकाल देती हूँ ताकि वो थोड़े सा कंफर्टेबल होके बैठें और फिर खाना खाएं। सो मैं यहाँ पर उनकी ज्वेलरी निकाल रही थी। क्योंकि यार हमें भी अपने ज़्यादा तैयार होकर परेशान हो जाते तो रात को एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं हम, लोअर टी शर्ट मैं भी डाल लेती हूँ। सो यहाँ पे फिर हम कान्हा जी के सोने का टाइम हो गया था, तो दीदी लड्डू गोपाल जी को हमारे सुला रही थी। लड्डू गोपाल जी को दीदी, ज़्यादातर दीदी ही सुलाती हैं और वही सुबह को उठाती भी हैं। सो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस निकाल दी थी, फिर उनको यहाँ पे बनाया अंडरवेयर और ऐसे ही उनको सुला दिया था, उनका तिलक भी हटा दिया था ताकि कोई मेकअप वगैरह ना रहे, वो पूरी तरह से अच्छे से कंफर्टेबल फील करें अंदर से। सो फिर यहाँ पे दीदी लोरी सुना रही थी कान लड्डू गोपाल जी को और थप तोड़ के सुला रही थी, जैसे कि हम अपने बाबू को सुलाते हैं, आनों को सुलाते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाते हो ये मेरे को ज़रूर बताना। सो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मेरे लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं क्या क्या गलतियां करती हूँ मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
सो यहाँ पे पैर हाथ दे दिए, दबा रही थी लड्डू गोपाल जी के। और मंदिर के पास ना पंखा नहीं है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को हम बेड के चराने पे ही सुलाते हैं। वहाँ पे दीदी भी सोती हैं तो वहीं पे सुला देते हैं उसी रूम में ही पर, क्योंकि अभी लड्डू गोपाल जी का हमारे घर पंखा नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।